वेलकम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का रिव्यू है, आज की वीडियो है अबाउट रिव्यू, और रिव्यू है हिमानी काजल का। एक मिनट, ये रहा। एक्चुअली इसका जो पैकेट था ऊपर का, वो मैं खो चुकी हूँ। ये देखें, हिमानी हर्बल काजल, बट बिलीव मी, ये हिमानी का ही है। इसका पैकेट जो है, ऊपर का जो पैकेजिंग थी, वो मैंने खो दी है। ये मैंने काफ़ी टाइम से लिया हुआ है। आई थिंक 5-6 महीने तो हो गए होंगे मुझे इसको लिए हुए, लेकिन रिव्यू मैंने नहीं किया था अभी तक। आई थिंक ये हिमानी की प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा इन हैं आजकल, बहुत ज़्यादा फेमस हैं और सबको रिव्यूज़ चाहिए होते हैं, तो आई थॉट कि मुझे इसका रिव्यू करना चाहिए। मेरे पास है ये। अच्छा, सबसे अच्छी मुझे इसकी बात ये लगी कि ये एक तो ये रिट्रैक्टेबल है, इस तरह है, आपको इसको शॉप नहीं करना पड़ता। और नेक्स्ट ये कि इसके पीछे जो है वो एक स्मजर भी है, तो अगर आप कुछ लगाते हैं तो आपको इसको स्मज करने में बहुत आसानी होती है। तो ये बहुत क्यूट है, इसकी पैकेजिंग बहुत क्यूट है, और ये एक बिल्कुल कोई महंगा वाला काजल लग रहा है। हालांकि इसकी प्राइस जो है वो 350 रुपीज़ है, अक्सर सेल पर भी होता है तो 280 तक का मिल जाता है। मेरे पास जो कलर है वो है इसका ग्रीन, डार्क ग्रीन, ये शेड है मेरे पास। एक्चुअली मुझे ब्राउन चाहिए था, लेकिन जब मैं वहाँ गई तो ना ब्राउन था ना ब्लैक था, मुझे यही कलर मिला। सब में यही अच्छा लग रहा था मुझे, तो मैंने ये ग्रीन, डार्क ग्रीन शेड लिया। अच्छा, इसमें लिखा है, इसका जो पैकेजिंग थी उस पर लिखा था कि ये जो है वो स्मज फ्री है और वाटर प्रूफ है। स्मज फ्री मतलब कि ये फैलता नहीं है, और वाटर प्रूफ मतलब कि पानी अगर इस पर पड़ेगा भी तो फिर तब भी ये नहीं बहेगा या नहीं फैलेगा। इसके स्मजर का काम ये है कि अगर आप इसको लगा के फ़ौरन से थोड़ा सा स्मज करना चाहें तो ये आराम से स्मज हो जाता है। अच्छा, अगर हम इसका छोटा सा डेमो करें, डेमो क्या करना है, 2 पॉइंट्स का। नंबर 1 पॉइंट कि क्या ये स्मज फ्री है, क्या वाकई ये नहीं फैलता, और नंबर 2 ये कि क्या ये वाटरप्रूफ है या नहीं। स्मज फ्री के लिए हम इसको थोड़ा सा फैला के देखेंगे कि ये फैलता है या नहीं। मैं इसको बहुत हल्के हाथ से कर रही हूँ, बहुत हल्के हाथ से। ये फैल रहा है थोड़ा थोड़ा सा, और शेड जो है वो बिल्कुल फेड हो गया है, हालांकि मैंने इतनी ज़ोर से नहीं किया, बिल्कुल हल्का सा किया है। इसको एक और बार ट्राई करते हैं, इसको एक फेयर चांस देते हैं। सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि ये प्योर हर्बल है, इसमें विटामिन ई है, इसमें कोकोनट ऑयल है, और इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो आपकी आइज़ के लिए बहुत अच्छी हैं। तो इस लिहाज से तो मुझे बहुत अच्छा लगा काजल। अगर ये स्मज फ्री नहीं भी है तब भी आई थिंक इसमें इतनी अच्छी चीज़ें हैं कि आपको ज़रूर लेना चाहिए। इसको थोड़ा सा स्मज करके देखते हैं। स्मज तो ये हो रहा है, और मैंने आइस पे भी ट्राई किया है बहुत दफ़ा, तो ये स्मज होता है, ऐसा नहीं है कि ये स्मज नहीं होता। स्मज फ्री ये नहीं है, थोड़ा बहुत ये स्मज होता है। वाटरप्रूफ है या नहीं है, तो मैं बताऊं कि ये वाटरप्रूफ है, क्योंकि मैंने बहुत बार इसको ट्राई किया है, इसको लगा कि मैंने रोज़ वाटर वगैरह भी ऊपर से लगाया है, लेकिन ये फैलता नहीं है या हटता भी नहीं है, तो वाटरप्रूफ तो ये है। मेरे हिसाब से कि ये बहुत अच्छा, इसमें बहुत सारे शेड्स हैं, ब्राउन्स, ब्लैक, सिल्वर, पिंक, आपको हर शेड इसमें मिल जाएगा तकरीबन। आई गिव इट 9 out of 10, क्योंकि मेरा बड़ा फेवरेट काजल है। हालांकि इसकी पिगमेंटेशन इतनी ज़्यादा नहीं है, देखिए मैंने 2 दफ़ा लगाया है और हल्का सा स्मज किया है, तब जाके ये इस तरह का शेड बना है। इसकी पिगमेंटेशन इतनी ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा जो है वो ज़्यादा सॉफ्ट है, टूट जाता है अगर आप इसको बहुत ज़्यादा निकालेंगे, इस तरह करके बहुत ज़्यादा निकालेंगे तो ये टूट भी सकता है। मेरे दफ़ा टूट भी गया था, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन जो इसकी इन्ग्रीडियंट्स हैं वो बहुत अच्छी हैं, आपकी आइज़ के लिए बहुत अच्छी हैं। अगर आप इसको थोड़ा संभाल के, थोड़े से ट्रिक के साथ यूज़ करें तो ये बहुत बेस्ट काजल है। ये था मेरा रिव्यू अबाउट हिमानी काजल, एंड मुझे ज़रूर इसका ब्राउन भी लेना है, और आप भी ब्राउन ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि मैंने देखा है कि ब्राउन जो है वो बहुत अच्छा है। ये था मेरा छोटा सा रिव्यू। अगर आपको पसंद आया और अगर आपने काजल ट्राई किया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।